ये क्वेश्चंस देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 672 क्या पूछा जा रहा है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैलिग्नेंट पोटेंशियल ऑफ कोलोरेक्टल पॉलिपर ट्रू एक्सेप्ट। तो मैलिग्नेंट पोटेंशियल ऑफ कोलोरेक्टल पॉलिप All are true except. Malignant potential of colorectal polyp, all are true except. Option 1. Polyp of the familial polyposis coli could invariably undergo malignant changes. The polyposis coli is undergo invariably malignant change. Invariably malignant change. Option 2. Pseudopolyps of ulcerative colitis has high risk of malignancy. Pseudopolyp of ulcerative colitis becomes malignant. Option 3. Villus adenoma is associated with high risk of malignancy. Villus adenoma is highly malignant. Option 4. Juvenile polyps have little or no risk. Juvenile polyps have little or no risk. फिर से देख लीजिए। मैलिग्नेंट पोटेंशियल ऑफ कोलोरेक्टल पॉलिप ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट। पॉलिपोसिस कोलाई इनवेरिएबली अंडरगो मैलिग्नेंट चेंजेस। सीडोपॉलिप ऑफ अल्सेटिव कोलाइटिस आर मैलिग्नेंट। पर विलस एडिनोमा इज मैलिग्नेंट और जुवेनाइल पॉलिपोसिस हैव लिटिल और नो रिस्क। एंड द राइट आंसर इज बी। सीडोपॉलिप ऑफ अल्सेटिव कोलाई इज नॉट मैलिग्नेंट। सीडोपॉलिप ऑफ अल्सेटिव कोलाइटिस इज नॉट मैलिग्नेंट। क्वेश्चन नंबर 673 देख रहे हैं। क्वेश्चन 673, द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एट्रेसिया इज। तो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्स्ट्रा हेपैटिक बिलियरी एट्रेसिया क्या होती है? ऑप्शन 1. पर ऑपरेटिव कोलैंगियोग्राफी। ऑप्शन 2. हेपेटोबिलियरी स्किंटिग्राफी। ऑप्शन 3. अल्कलाइन फॉस्फेट लेवल। ऑप्शन 4. लीवर बायोप्सी। फिर से देखिए, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एट्रेसिया इज। पर ऑपरेटिव कोलैंगियोग्राफी, हेपेटोबिलियरी स्किंटिग्राफी, एएलपी लेवल, लीवर बायोप्सी। एंड द राइट आंसर इज ए, पर ऑपरेटिव कोलैंगियोग्राफी। क्वेश्चन 674 देखने वाले हैं। क्वेश्चन 674 क्या बोल रहा है? फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन 48 आवर्स ऑफ बर्थ इन ए न्यूबॉर्न विद नो ऑब्वियस एक्सटर्नल एबनॉर्मलिटी शुड लीड टू द सस्पिशन ऑफ। ठीक है, तो फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन 48 आवर ऑफ बर्थ ए न्यूबॉर्न विद नो ऑब्वियस एक्सटर्नल एबनॉर्मलिटी विद नो एक्सटर्नल एबनॉर्मलिटी। ठीक है ना, तो उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा? उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑप्शन 1, एनल एट्रेसिया। ऑप्शन 2, कॉन्जेनाइटल पाउच कोलोन। ऑप्शन 3, कॉन्जेनाइटल ए गैंग्लिनोसिस। ऑप्शन 4, मेकोनियम इलियस। फिर से देखिए,
फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन 48 आवर विद नो एक्सटर्नल एबनॉर्मलिटी व्हाट इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस एनोरेक्सिया कॉन्जेनिटल पाउच कोलन कॉन्जेनिटल एगैंग्लियोसिस द मेकोनियम इलियस एंड द राइट आंसर इज कॉन्जेनिटल एगैंग्लियोसिस कॉन्जेनिटल एगैंग्लियोसिस क्वेश्चन 675 देख रहे हैं क्वेश्चन 675 क्या पूछ रहे हैं एक मिनट द मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट इन कॉन्जेनिटल पाइलोरिक स्टेनोसिस इज तो मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी इन कॉन्जेनिटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होती है ऑप्शन वन हाइपोक्लोरेमिक एल्कलोसिस ऑप्शन टू हाइपरक्लोरेमिक एल्कलोसिस ऑप्शन थ्री हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस ऑप्शन फोर हाइपोक्लोरेमिक एसिडोसिस फिर देखिए मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी इन सीएचपीएसिस हाइपोक्लोरेमिक एल्कलोसिस हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस एंड द राइट आंसर इज ए हाइपोक्लोरेमिक एल्कलोसिस क्वेश्चन 676 देखिए क्वेश्चन 676 क्या पूछ रहे हैं एक मिनट यहाँ पूछ रहे हैं अ 3 ईयर ओल्ड बॉय इज ब्रॉट टू द कैजुअल्टी बाय हिज मदर विद प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फॉर वन डे तो थ्री ईयर बॉय with progressive shortness of breath for one day. The child has history of bronchial asthma. ठीक है ना फिर on the examination the child is blue, gasping and unresponsive. ठीक है ना तो history of asthma present. ठीक है ना and on examination the child is blue. ठीक है ना फिर gasping and unresponsive. ठीक है ना unresponsive. ठीक है ना what will you like to do first. ठीक है ना तो first step क्या लोगे option one intubate ऑप्शन टू एडमिनिस्टर 100% ऑक्सीजन बाय मास्क ऑप्शन थ्री वेंटिलेट विद बैग एंड मास्क या ऑप्शन फोर Administer nebulized salbutamol. पिछले क्वेश्चन देखिए 3 year boy with progressive shortness of breath for one day. History of asthma is present. On examination, the child is blue, gasping and unresponsive. First step that you do. Intubate. Administer 100% oxygen by mask. Ventilate with bag and mask. Administer nebulized salbutamol. And the right answer is B. Administer 100% oxygen by mask. Next question क्या बोल रहा है? Neonatal cholestasis. एक मिनट. 677 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है. In neonatal cholestasis, if the serum gamma glutamyl transferase is more than 600 international units per liter, the most likely diagnosis. ठीक है ना? तो neonatal cholestasis में serum GGT more than 600 international units per liter तो डायग्नोसिस क्या है ऑप्शन वन neonatal hepatitis ऑप्शन टू cholecystocyst ऑप्शन थ्री हाइपोथायरॉयडिज्म
ऑप्शन फोर बिलियरी एट्रेसिया, बिलियरी एट्रेसिया। फिर से देख लीजिए न्यूनेटल कोलेस्टेसिस। इन न्यूनेटल कोलेस्टेसिस इफ सीरम जीजीटी इज मोर देन 600 इंटरनेशनल पर लीटर व्हाट इज द डायग्नोसिस? न्यूनेटल हेपेटाइटिस, कोलेडोकोसिस, हाइपोथायरायडिज्म, बिलियरी एट्रेसिया। एंड द राइट आंसर इज बिलियरी एट्रेसिया, बिलियरी एट्रेसिया। क्वेश्चन नंबर 678 देखेंगे। 678 का बोल रहा है, अ 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड प्रेजेंट विद हेडेक, वॉमिटिंग, गेट इंस्टेबिलिटी एंड डिप्लोपिया। ऑन एग्जामिनेशन ही हैड पैपिलोमा एंड गेट अटैक्सिया द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस इज। तो 10 ईयर चाइल्ड विथ हेडेक देन वॉमिटिंग देन गेट इंस्टेबिलिटी एंड डिप्लोपिया। ऑन एग्जामिनेशन ही हैज पैपिलेडेमा एंड गेट अटैक्सिया। ठीक है, तो डायग्नोसिस क्या है? ऑप्शन वन हाइड्रोकीफेलस। ऑप्शन टू ब्रेन स्टेम ट्यूमर। ऑप्शन थ्री सुप्रासेलर ट्यूमर। ऑप्शन फोर मिडलाइन पोस्टेरियर फोसा ट्यूमर। फिर से देखिए, 10 ईयर चाइल्ड विद हेडेक, वॉमिटिंग, गेट इंस्टेबिलिटी, डिप्लोपिया। ऑन एग्जामिनेशन एज पैपिलोमा एंड गेट अटैक्सिया व्हाट इज द डायग्नोसिस? हाइड्रोकेफेलस, ब्रेनस्टेम ट्यूमर, सुप्रासेलर ट्यूमर या मिडलाइन पोस्टेरियर फोसा ट्यूमर? एंड राइट आंसर इज डी, मिडलाइन पोस्टेरियर फोसा ट्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 679 का पूछ रहे हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ न्यूबॉर्न्स आर एट एन इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया एक्सेप्ट। तो रिस्क फॉर हाइपोग्लाइसेमिया आर इन ऑल एक्सेप्ट। ऑप्शन वन बर्थ एस्फिक्सिया। ऑप्शन टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रम। ऑप्शन थ्री मैटरनल डायबिटीज। ऑप्शन फोर पोस्ट टर्म इन्फेंट। फिर से देखिए, रिस्क फॉर हाइपोग्लाइसेमिया इन ऑल एक्सेप्ट बर्थ एस्फिक्सिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रम, मैटरनल डायबिटीज या पोस्ट टर्म इन्फेंट? एंड द राइट आंसर इज डी, पोस्ट टर्म इन्फेंट में हाइपोग्लाइसेमिया का रिस्क नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 680 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 680 क्या पूछ रहे हैं, इन पीडियाट्रिक एडवांस लाइफ सपोर्ट इंट्राओसियस एक्सेस फॉर ड्रग और फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन इज रिकमेंडेड फॉर पीडियाट्रिक एज ऑफ। ठीक है, तो इंट्राओसियस एक्सेस फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज फॉर विच एज। ऑप्शन वन लेस देन वन ईयर। ऑप्शन टू लेस देन फाइव ईयर। ऑप्शन थ्री लेस देन सिक्स ईयर। या ऑप्शन फोर एनी एज। फिर देखिए, इंट्राओसियस एक्सेस फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज फॉर विच एज? लेस देन वन ईयर लेस देन फाइव ईयर लेस देन सिक्स ईयर एनी एज। एंड राइट आंसर इज लेस देन सिक्स ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, A 2-year-old boy has vitamin D refractory rickets. Investigation shows serum calcium 9 mg per deciliter, phosphate 2.4 mg per deciliter, alkaline phosphate 1040. Parathyroid hormone and bicarbonate levels are normal. The most probable diagnosis is. Okay, so question puts 681. 2-year boy with vitamin D refractory rickets. Okay, na? Calcium is 9, phosphate is 2.4, alkaline phosphate is 1040. Rest is normal. Diagnosis क्या है? डायग्नोसिस बता देता हूँ, हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट। इट इज हाइपोफॉस्फेटेमिक
रिकेट। क्वेश्चन 682 देख लीजिए, ठीक है ना। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस आर ऑल एक्सेप्ट सीजर, इंक्रीज इन आईसीपी, सेरेब्रल हमाटोमा एंड सब ड्यूरल इफ्यूजन। एंड राइट आंसर इज सेरेब्रल हमाटोमा। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस, सेरेब्रल हमाटोमा नहीं होती है।